रूप से कह रही हूं, इस देश के युवा के चेहरे पे जोरदार तमाचा है इस तरह का डिस्कोर्स। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया की शर्मनाक हरकतें और उनकी लेटेस्ट इंसल्ट दिखाई जाती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन की घंटी बजा दें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में गोदी मीडिया की शर्मनाक हरकतों के साथ साथ हम थोड़े ऐसे समाचार भी आप तक पहुंचाएंगे जो गोदी मीडिया आप तक बिल्कुल नहीं पहुंचा सकता। जैसे कि जो कमर्शियल कुकिंग के 19 kg LPG गैस का रेट 250 रुपए बढ़ा दिया गया है। कमर्शियल कुकिंग का मायना है जिस रसोई के काम से आप अपने पैसे कमाएं, वो चाहे एक चाय की स्टॉल लगाने वाला हो सकता है या फिर एक बड़ा रेस्टोरेंट हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तेल के दाम किस स्तर तक बढ़ चुके हैं, अब तो ऐसा लगता है कि ब्याह शादियों में लड़के वाले दहेज में कार मांगने से तो डर ही जाएंगे, और अगर मांगेंगे तो कहेंगे कि भाई 2 किलो तेल के साथ अपनी बेटी हमारे साथ विदा कर दो। तो देखें, हमारे मोदी जी ने हमारे लिए कितने फायदे सोच रखे हैं तेल के दाम बढ़ाने के। अब तो दिल करता है कि 2 जोड़ी रोलर स्केट्स खरीद लिए जाएं। आने वाले समय में तो ऐसा ही लगता है कि पेट्रोल के भी पाउच शैम्पू की तरह 50 रुपए में मिला करेंगे। मित्रों, आप जरा हिपोक्रेसी देखिए हमारे सुप्रीम लीडर की। पिछले दिनों हमारे पीएम मोदी ने शिक्षा पे चर्चा की। ये वही हमारे पीएमओ हैं जिन्हें गरीबी की वजह से 8वीं जमात तक ही शिक्षा प्राप्त हुई। पर हिपोक्रेसी ये नहीं है, जो सुप्रीम लीडर की पीआर टीम ने तस्वीर इस्तेमाल की है उस पर जरा गौर करें। एक स्कूल की बच्ची जिसने नॉर्मल ड्रेस पहनी है और एक स्कूल की छात्रा है जिसने हिजाब पहना हुआ है। वहीं जहां एक और हमारे पीएम की पार्टी बीजेपी के लोग कर्नाटका में हिजाब पर बैन लगा रहे हैं और हमारे न्यायालय भी उनका साथ दे रहे हैं, पर वहीं दूसरी ओर हमारे सुप्रीम लीडर एक हिजाब वाली छात्रा को अपनी पीआर स्ट्रेटजी बना रहे हैं। और मित्रों, यही नहीं, हम सबके लिए एक और बड़ी खुशखबरी है, वो है कि SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अडानी का नवी मुंबई एयरपोर्ट का कर्जा है उसे अंडरराइट कर दिया है। तो दोस्तों, अब आते हैं हम हमारे गोदी मीडिया के चाटुकारों पर। अगले वीडियो में हम देखेंगे हमारे गोदी मीडिया की सच्चाई और उनकी घटिया पत्रकारिता में, और सच्चे पत्रकार रवीश कुमार जैसे लोगों की पत्रकारिता में क्या अंतर है। वही जहां हमारे गोदी मीडिया बीजेपी और हमारे सुप्रीम लीडर की जूतियां साफ करने में लगे रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर रवीश कुमार जैसे वरिष्ठ पत्रकार हम और आपके लिए दिन रात सच्चाई ढूंढने में जुटे रहते हैं। सलाम है हमारा ऐसे पत्रकारों को जिनकी वजह से हमारे देश की मीडिया की कुछ लाज लज्जा बची हुई है। आप सभी से एक सवाल पूछना चाहते हैं। फर्ज कीजिए कि आप 4 दिनों तक लगातार किसी विदेश यात्रा पर रहे, उसमें 65 घंटे, उन 65 घंटों में 20 मुलाकातें करें, 31 घंटे की हवाई यात्रा करें, इन 4 दिनों में 24,000 किलोमीटर का सफर तय करके वतन वापस लौटते ही, बताइए अब आप क्या करेंगे? आपका जवाब होगा आराम करेंगे। और मैं कहूं अगर आपकी उम्र 71 साल है तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे जरूर आराम करेंगे, आराम ही करेंगे। लेकिन आप जब ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहें तो यकीनन आराम उनकी डिक्शनरी में नहीं है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिक्शनरी में मानसिक थकान जैसा शब्द भी नहीं है? रविवार रात करीब 8:45 पर प्रधानमंत्री मोदी अचानक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे नए संसद भवन की कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गए। रविवार रात 8 बजे, यानी जब आप लोग सब छुट्टी मना रहे थे, आप सब की छुट्टी थी, आप सब लोग या तो बाहर गए होंगे खाना पीना खाने के लिए, मॉल में गए होंगे या फिर टीवी देख रहे होंगे, उस समय प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंच गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दोपहर को ही अमेरिका के 3 दिन के दौरे से लौटे प्रधानमंत्री आराम किए बिना ही काम पर लौट आएंगे, लेकिन उन्होंने हर बार की तरह हैरान किया सबको और नए संसद भवन के कंस्ट्रक्शन साइट पर वो 1 घंटे तक रहे। सवाल अगर ये पूछते कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कौन सा काम किया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स उनके बारे में पहले पन्ने पर लिखेगा कि धरती की अंतिम और श्रेष्ठ आशा, दुनिया के सबसे चहेते और सबसे शक्तिशाली नेता,
हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इस फर्जी तस्वीर में प्रधानमंत्री खाली पन्ने पर दस्तखत कर रहे हैं। कोई भी समझ सकता था फर्जी है, लेकिन यह किसने किया, कहां से शुरू हुआ, इन दोनों बातों की जानकारी धरती के पहले और अंतिम जीरो टीआरपी वाले इस एंकर को नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंकिलों ने इस पर यकीन कर भी लिया। ठीक उसी तरह से जब ट्रंप अहमदाबाद आए तो सड़क के किनारे की बस्ती की गरीबी उन्हें ना दिख जाए इसके लिए दीवार बना दी गई, उस दीवार को रंग रुंग दिया गया। यही काम न्यूज चैनल और अखबार करते हैं रोज। आपकी गरीबी, बेकारी, स्वास्थ्य पर बात ना करके फालतू टाइप के विषय की दीवार खड़ी कर देते हैं और आपको ट्रंप की तरह सूचनाओं के नए और झूठे एक्सप्रेसवे से गुजारते हुए सीधे झूठ के स्टेडियम में ले जाते हैं। समाचार जगत के संपर्क में आए तो समाचार के लिए मत आए, समाचार तो बंद हो चुका है। प्रोपेगेंडा का खेल अगर नहीं समझेंगे तो जल्दी ही 200 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदेंगे और बोल नहीं पाए। मैं कहती हूँ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निरीक्षण के लिए पीएम पहुंचे, इसमें गलत क्या है? 71 साल की उम्र में 18 घंटे काम करना विपक्ष को क्यों परेशान करता है? दूसरा सवाल, कर्म योगी मोदी की तारीफ के बदले तकलीफ क्यों है ऑपोजिशन को? और सवाल नंबर 3, मोदी जी जैसी मेहनत करके दिखाओ, बेकार क्यों उलझा रहे हैं आप इन बातों में पूरे देश को? गोदी मीडिया में साहस नहीं है कि सरकार से 2 सवाल पूछ ले, लेकिन हर दिन विपक्ष को लेकर आपके दिमाग में जहर भर रहा है। उसके असर में आप विपक्ष से नफरत करने लगते हैं और अपने भीतर का विपक्ष मारने लग जाते हैं। हिंसा इस तरह से घुस गई है कि अब पत्रकारों की जुबान से फिसलने लगी है, कार्यक्रम में थप्पड़ चलने लगे हैं और एंकर ललकारने लगे हैं। यह अंग्रेजी चैनल टाइम्स नाउ की एंकर का माफीनामा है, नविका कुमार का। मंगलवार को इन्होंने ऑन एयर राहुल गांधी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया। अंग्रेजी में इसे गाली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बाद में इसके लिए उन्होंने माफी मांगी और उस वक्त भी। उनके बयान का सार यह है कि पंजाब के राजनीतिक संकट के संदर्भ में चल रही चर्चा के प्रवाह में ऐसी चूक हो गई। इस बात के लिए तत्काल माफी मांग ली गई थी। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है और प्रदर्शन किया है। एंकर की जुबान यूं ही नहीं फिसली, एक बार फिसल जाने से पहले विपक्ष को लेकर एंकरों की रोज की भाषा देखिए, वो भाषा भी कम अमर्यादित नहीं है। विपक्ष आपके भीतर मारा गया है, मरा हुआ है, लेकिन आप बाहर झांक रहे होते हैं कि विपक्ष दिखाई नहीं देता है। प्राइम टाइम देखा कीजिए 20 साल बाद अफसोस करने के लिए कि आप देखते तो रहे लेकिन देखते ही रहे। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि हमारे शराबी एंकर दीपक चौरसिया अब मीडिया से थोड़ा पीछे हट चुके हैं, पर इस क्लिप में हम देखेंगे जो बीजेपी प्रवक्ता और गोदी मीडिया की धुलाई इन दो लेडीज ने की है वो देखने योग्य है। 2014 से पहले देश जो है सोने की चिड़िया था, 2014 के बाद बर्बाद हो गया, ये कहना है प्रियदर्शनी का। आप कैसे देखते हैं उनके सारों को? देखिए, ऐसा झूठा नैरेटिव सेट करने की बहुत कोशिश किया गया कि देश में ये सुरक्षित नहीं है, माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। वास्तविकता क्या है देश की जनता जानती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास केवल नारा नहीं है, इस देश में हमने सही साबित किया है। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इसको जमीन पर उतार कर हमने देश को विश्वास मिलाया है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है हिंदू के साथ, कश्मीर में हिंदू के साथ क्या हो रहा है, कश्मीर में सिख के साथ क्या हो रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ता? आप आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हुए। देखिए इस देश में, यदि आजादी के बाद के इतिहास में अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा सुरक्षित यदि कभी भी रहे हैं वो पिछले 7 साल में। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। खान है इसलिए गिरफ्तार होगा, लेकिन पारुल 19 लोग और हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से कोई खान नहीं है।
बट जितना पब्लिसाइज आर्यन खान को करा जा रहा है, अरे भाई वो बॉलीवुड के सुपरस्टार के बेटे हैं, ये फंस गया। अगर आप मेरा भाई इसीलिए उनके इंस्टाग्राम पे 3 लाख फॉलोअर हैं क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे हैं, नहीं तो कौन पूछता हूँ। यही तो बात है, यही तो बात है। सही पकड़े हैं आप लोग इसको, इतना पॉपुलराइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या है ना, न्यूज में भी दो चीज सबसे ज्यादा दिखती है, एक धर्म बिकता है और एक बॉलीवुड बिकता है। इस केस में दोनों ही है, बॉलीवुड के सुपरस्टार का बेटा है और खान भी है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे तो क्यों नहीं करती, और ये बीजेपी की है तो मानसिकता रही है हमेशा, धर्म टारगेट वो हमेशा करती रही है। आप चाहे इतिहास देख लीजिए, चाहे आज का टाइम देख लीजिए, सुबह से जो है ना शाहरुख खान बीजेपी का गद्दार ट्रेंड। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.